सब्सक्राइब करें कुसुम रसोई और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मेरी नई रेसिपी आपको मिलती रहे। हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। गर्मी के मौसम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की लस्सी और एक छाछ, जो कि आपको तरोताजा रखेगा और आपकी बॉडी को ठंडा रखेगा। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। हम सबसे पहले नॉर्मल लस्सी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम मिक्सी जार में सबसे पहले आइस क्यूब डालेंगे और एक प्याली दही डालेंगे। तीन बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा कर लें और मिक्सी में इसे दो तीन मिनट के लिए चलाएं, जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। अब इसे सर्व करें। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें। हमारी लस्सी तैयार। अब हम मैंगो फ्लेवर की लस्सी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मिक्सी जार में एक प्याली आम की प्यूरी डालें, दो बड़े चम्मच चीनी डालें और इसे ग्राइंड करें। अब इसमें आइस क्यूब डालें और एक प्याली दही डालें और इसे ग्राइंड करें। अब हम इसे छोटे पीस में कट किए हुए आम और बारीक कट किए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये हमारा टेस्टी मैंगो लस्सी तैयार। अब हम नमकीन शरबत बनाएंगे, मेरा मतलब है छाछ बनाएंगे। ये उनके लिए जिन्हें मीठा खाना पसंद नहीं है या फिर मीठा खाना मना है। मिक्सी जार में एक प्याली दही डालें, स्वाद के अनुसार काला नमक या फिर नॉर्मल नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कट किया हुआ, थोड़ा सा अदरक बारीक ग्रेट किया हुआ और थोड़ा सा पुदीना पत्ता बारीक कट किया हुआ डालें। आइस क्यूब या फिर ठंडा पानी डालकर ग्राइंड करें। हमारा छाछ तैयार। अब हम इसे पुदीना पत्ता और जीरा पाउडर से गार्निश करेंगे। हमारा ठंडा ठंडा छाछ तैयार। इंजॉय करें।